पाकिस्तान की जो मईशत है या जो इसकी पॉलिसियां हैं उसको हमेशा ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह में सरमायाकारी का हजम 71% इजाफे के साथ 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। क्या ये हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत नहीं है? हाँ, उसको कहा जा सकता है कि ये इत्मीनान है, स्पेशली इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी तो है ही है, लेकिन ज्यादातर जो सरमायाकारी है वो सीपेक रिलेटेड है। सीपेक की जो अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम थे अब वो टेक ऑफ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा सरमायाकारी आ रही है वो इस वक्त चाइनीज सरमायाकारी है, जो रातोश पार के मुताबिक इस वक्त नजर आ रहा है हमें, कि ज्यादातर ये सीपेक रिलेटेड मनसूबे हैं। और यकीनी तौर पर चाइना जो है इस वक्त जैसे जैसे उनके प्रोजेक्ट अनफोल्ड हो रहे हैं उसी तरीके से इसमें कुछ सरमायाकारी कुछ अर्सा भी मजीद आए।